संतों पर संग्राम की विधानसभा में कांग्रेस के सदस्य श्रवण कुमार द्वारा बुधवार को पशुपालन विभाग की अनुदान मांगों के दौरान साधु संतों और बाबाओं को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर हंगामा हो गया। सत्ता पक्ष की ओर से सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने ये मामला उठाया और संबंधित विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मामले को शांत करने के लिए सदन की कार्रवाई से विधायक के बोले हुए शब्दों को हटा दिया। ये रिपोर्ट दे। कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार के विधानसभा में बाबा पर दिए गए विवादित बयान पर सत्ता पक्ष लामबंद हो गया है। सत्ता पक्ष ने साफ कर दिया है कि श्रवण कुमार को माफी मांगनी ही पड़ेगी, जिसके बाद श्रवण कुमार ने माफी मांग ली। साधु के प्रति बड़ी पवित्र भावना है, कहां गहरे में हो साधु, साधु जो जेल में पड़े उनके लिए दुर्भावना है। सत्ता पक्ष की ओर से सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने मामला उठाया और संबंधित विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। देश के सन्यासी वर्ग पर बहुत गंभीर टिप्पणी है, बहुत अपमानजनक टिप्पणी है। मैं इसके मेरी तरफ से भी और मेरे पूरे विधायक साथियों की तरफ से इस पर आपत्ति दर्ज करवाता हूं, इसकी वर्षना करता हूं, निंदा करता हूं और आपसे आसन से गुजारिश करता हूं कि ऐसे माने सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई भी करें और सदस्य से माफी भी मंगवाएं और उसको विलोपित भी करें। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मामले को शांत करने के लिए सदन की कार्यवाही से विधायक के बोले हुए शब्दों को हटा दिया। चेतावनी दी गई कि भविष्य में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल सदन में नहीं होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की व्यवस्था के बावजूद सत्ता पक्ष के सदस्य कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने पर अड़ गए। क्षेत्र को लेकर के कांग्रेस ने पूरा मुद्दा उठाया था और हमारे मंत्री जी ने माफी मांगी है, हमारे मंत्री जी ने माफी मांगी है, विधायक को माफी मांगनी चाहिए। सनातन धर्म का अपमान। सदन में सीकर से विधायक राजेंद्र पारेख श्रवण कुमार के पक्ष में खड़े हुए। उनके बयान को सुनकर सत्ता पक्ष एक बार फिर तिल मिला उठा। माफी मांगो। ऐसे में विधानसभा की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। 15 मिनट बाद विधानसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, जिसके बाद पक्ष विपक्ष दोनों पक्षों ने माना कि भविष्य में सदन में कोई भी विधायक ऐसी टिप्पणी नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। बेचारी मैडम पर बवाल। वैसे तो होश संभालते ही बड़े और बूढ़े बच्चों को बोलना सिखाने लगते हैं, लेकिन क्या और कितना बोलना है इसे अच्छे अच्छे नहीं समझ पाते। सुबह में कांग्रेस विधायक के ऐसे ही बयान पर बवाल मचा है। 3 घंटे मैडम को खड़ा रख दिया आपने और उसका रिजल्ट क्या? बेचारी मैडम वाले बयान पर छिड़ी रार। पौने 3 घंटे मैडम को खड़ा रहना पड़ा। कांग्रेस नेता के बयान पर दिया तगड़ा पलटवार। बयान से पता चलती है कांग्रेस की मानसिकता। जो कांग्रेस की मानसिकता है वो दर्शाता है इस तरह के बयान इनके एमएलए दे रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की विरोधी है कांग्रेस। पौने 3 घंटे आपने, एक मिनट रोहित जी, पौने 3 घंटे मैडम को खड़ा रख दिया आपने। हर बोले जाने वाले बोल का मोल होता है, इसलिए जुबान खोलने के पहले सोचने विचारने की सलाह दी जाती है। ये बोले गए शब्दों का ही जादू है कि कोई झट से दोस्त बन जाता है, जबकि बिना सोचे समझे बोलने वाले से लोग किनारा कर लेते हैं। बात इसलिए क्योंकि ऐसे ही एक बोल पर सूबे की सियासत गर्मा गई है। पौने तीन घंटे आपने, एक मिनट रोहित जी, पौने 3 घंटे मैडम को खड़ा रख दिया आपने और उसका रिजल्ट क्या? जो बजट था उसको 2-2, 4-4, 50-50 लाख में बांट दिया आपने, इसलिए बिचारी को पौने तीन घंटे मैडम को खड़ा रहना पड़ा। दरअसल विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया उसी से कांग्रेस की घेराबंदी शुरू हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने गुरुवार को एक वीडियो जारी कर इस बयान की निंदा की है और विपक्षी नेता को करारा जवाब दिया है।
अपने लिए अमीन कागजी के इस्तेमाल की गई भाषा को दिया कुमारी ने कांग्रेस की महिला को कोई पद ना देने वाली सोच करार दिया। ये जो कांग्रेस की मानसिकता है वो दर्शाता है। इस तरह के बयान इनके एमएलए दे रहे हैं। जब इनकी पार्टी सत्ता में थी उस समय भी इन्होंने महिला विरोधी बयान दिए थे। इनके सरकार में इनके जो मंत्री थे उन्होंने कहा ये तो मर्दों का प्रदेश है, और आज इनके एमएलए कह रहे हैं कि महिला वित्त मंत्री है, बिचारी महिला वित्त मंत्री। इसका मतलब आपको बहुत बड़ी आपत्ति है आपको कि महिला वित्त मंत्री कैसे बन गए। दिया कुमारी ने कहा कि बीजेपी ने केंद्र और प्रदेश में महिला को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है, लेकिन कांग्रेस को इससे परेशानी है। उससे इनको आपत्ति, इनको प्रॉब्लम है कि महिला को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, महिला को सिर्फ घर पे बैठना चाहिए और कुछ काम नहीं देना चाहिए, ना महिला को कोई पद मिलना चाहिए। ये बहुत ही इस तरह की मानसिकता है, बहुत ही ओछी मानसिकता दर्शाता है और ये बहुत गलत बयान है। दरअसल कांग्रेस विधायक कागजी कहना यही चाहते थे कि भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट उन्हीं अधिकारियों ने बनाया है जिन्होंने गहलोत सरकार में बनाया था, लेकिन बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने के चक्कर में कागजी दिया कुमारी को बेचारी बोल गए। उनके जुबान से निकले इसी शब्द के जरिए बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और उसे आधी आबादी का दुश्मन साबित करने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो वही राजस्थान विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर हंगामा देखने को मिला, लेकिन विधानसभा में उस वक्त भी हंगामा हुआ जब सिविल लाइन से बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने कांग्रेस पर सरकार में रहते हुए देवस्थानम बोर्ड का पैसा दूसरी जगह देने का आरोप लगा दिया। देवस्थान का पैसा ईदगाह को कैसे दे सकते हैं? गोविंद देव जी के लिए होल्ट और ईदगाह के लिए समर्पण, ये कौन सा न्याय है? बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा का कांग्रेस पर हमला। देवालयों से लिया गया पैसा ईदगाहों को देने का आरोप। सदन में गोपाल शर्मा और रफीक खान के बीच तूतू मैमे। प्रदेश में उपचुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने कांग्रेस को नए मुद्दे पर घेरा है, जिसकी झलक सदन में गोपाल शर्मा और रफीक खान के बीच तूतू मैमे के तौर पर देखी गई। उपचुनाव के तारीखों का भले ही ऐलान नहीं हुआ हो, मगर बीजेपी कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। राजस्थान विधानसभा में देवस्थान विभाग की मांगों के दौरान सिविल लाइन से बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा और आदर्श नगर से कांग्रेस विधायक रफीक खान के बीच मंदिरों को आर्थिक मदद के मसले पर जमकर तनातनी देखने को मिली। ईदगाह के लिए 9,82,00,000 रुपए का प्रोजेक्ट बिना किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किए हुए दिया गया, और 2,00,00,000 रुपए बैठिए क्या नहीं बोलेंगे, देवस्थान की बात चल रही है, होगी बात। देवस्थान का पैसा ईदगाह को कैसे दे सकते हैं? मंदिरों से लिया हुआ पैसा 2,45,50,000 रुपए शांत रहे, ईदगाह के लिए दिए गए 1,90,00,000 रुपए खर्च भी हो गए। गोविंद देवालयों का पैसा गोविंद देव जी के लिए होल्ट और ईदगाह के लिए समर्पण, ये कौन सा न्याय है? गोपाल शर्मा ने कांग्रेस पर सरकार में रहते हुए मंदिरों के चंदे के पैसे को मस्जिदों के विकास में लगाने का आरोप लगाया। इस दौरान रफीक खान आग बबूला हो गए और गोपाल शर्मा को हिंदू मुस्लिम के मुद्दे से बाहर आने की नसीहत दे डाली। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। बीजेपी वालों के पास कल हिंदू मुसलमान के खिलाफ कोई बात नहीं है, कल इसी से अपना वोट बैंक बनाते हैं, इनका चीज चीन के पास नाम नहीं है, और ये लोग ऐसा बात सदन में बोल के अपना नंबर बनाना चाहते हैं ऊपर मोदी जी तक, क्योंकि ऊपर से नीचे तक इनका ये सिस्टम है। आज मुसलमान हिंदुस्तान का नागरिक नहीं क्या, ऐसी नागरिक नहीं क्या, सिख ईसाई हिंदुस्तान नागरिक नहीं क्या, जो जो जिस जो इनकी जो जो आवश्यकता होती है हिसाब से हमारे मुख्यमंत्री जी ने पैसा दिया। कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। भाजपा विधायक शत्रुघ्न गौतम और बाबा बालकनाथ ने भी
कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया। केवल उनके मन मस्तिष्क में एक ही विचार है कि तुष्टिकरण की नीति और अल्पसंख्यक समुदाय को साधना, वो खूब हर संभव प्रयास करते हैं कि ये खुश रहे, लेकिन ऐसा राजनीति में नहीं होना चाहिए। राजधर्म का पालन करना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकार ने ऐसे कितने ही निर्णय किए, इसे अल्पसंख्यक समुदाय को साधने का और राजी रखने का प्रयास किया। इनकी परंपरा रही है, ये इनकी वास्तविक चरित्र को दर्शाता है कि कांग्रेस और कांग्रेस के बड़े नेता हो चाहे आज विधानसभा में उनके एक विधायक हो, कल के दिन जो उन्होंने कहा है ये कांग्रेस की वास्तविकता को दर्शाता है कि सनातन हिंदू विरोधी है। दिवालियों के 2,45,50,000 रुपए ईदगाह को बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिए गए या नहीं, ये जांच का मुद्दा है। लेकिन उपचुनाव से पहले एक बार फिर मंदिर मस्जिद का मुद्दा सुर्खियों में है। अब जनता को इससे कितना फर्क पड़ता है, ये 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे तय करेंगे। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट। वही विधानसभा में आज जमकर शायरी का दौर भी देखने को मिला। इस दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों ने शायरी के जरिए एक दूसरे पर कटाक्ष किए। बात हदों से पार हो गई, कविता खुद बेजार हो गई, परेशान हो गई। बात हदों से पार हो गई, कविता खुद बेजार हो गई, असली कवि गुमनाम हो गए और नकली की बरकत भरमार हो गई। जमीन पर बैठ के क्यों आसमान देखते हो? जमीन पर बैठ के क्यों आसमान देखते हो? पंखों को होल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। कि दुनिया तेरी उड़ान देखना चाहती है। हम तो पत्ते नहीं जो पेड़, हम तो वो पत्ते नहीं जो पेड़ से टूट कर गिर जाते हैं। हम तो वो पत्ते नहीं जो पेड़ से टूट कर गिर जाते हैं। मेहनत से उठते हैं, मेहनत का दर्द जानते हैं, आसमान से ज्यादा जमीन की कद्र हम जानते हैं। आप सहकारिता पे वापस मायूस मत होना जिंदगी से, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना जिंदगी से, किसी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग तो हौसले भी बुलंद हो, तो एक अखबार बेचने वाले भी कलाम बन सकता है। जी एक बात मैं भी कहूँगा, शायरी आती नहीं है, शायरी करने लगे श्रवण जी को, शायरी चारा समझ के सब गधे चरने लगे। बात